गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग का है डे 5 बूलियन अलजेब्रा का। आज हम लोग सीखेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। ये क्या कहता है, एक्स और एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसी का जो डुअल फॉर्म है एक्स एंड एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स। देखते हैं प्रूफ करके कैसे ये होगा। ट्रुथ टेबल से प्रूफ हो रहा है, यहाँ एक्स और वाई, तो यहाँ अल्टरनेट 0 1 के लिए बताए थे 0 1 0 1 फोर टाइम्स लिखा है क्योंकि ये दो वेरिएबल का है, एक्स में 0 0 1। अब यहाँ पहले निकालते हैं, हम लोगों को एक एक्स एंड वाई चाहिए, तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। इसमें बताए थे कि जहां जब भी एंड ऑपरेशन होता है तो एक भी इनपुट में अगर 0 है तो रिजल्ट जो है वो मेरा 0 हो जाएगा। अब एक्स वाई कैलकुलेट होने के बाद अब हमको क्या चाहिए, एक्स और एक्स वाई। तो एक्स वाई कॉलम मेरा यहाँ है और एक्स कॉलम मेरा यहाँ है। अब ये दोनों के बीच में हम लोगों को और ऑपरेशन करना है, तो 0 और 0 0 देगा, 0 और 0 0 देगा, 1 और 0 1 देगा, 1 और 1 1 देगा। ये देखिए दोनों में से अगर एक भी 1 है तो रिजल्ट जो है वो मेरा 1 आ जाएगा। अब क्या देखना है कि इस कॉलम का जो रिजल्ट है और इस कॉलम का जो रिजल्ट है वो दोनों देखिए कि बराबर है, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि x और एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। चलिए दूसरा प्रूफ, चलिए अब देखते हैं हम लोग b का प्रूफ। ये क्या कह रहा है, x एंड x और y इज इक्वल टू x। इसके लिए भी ट्रुथ टेबल देखेंगे, दो वेरिएबल का ही है, एक्स और वाई है, एक्स वाई का 0 1 0 1 0 0 1। अब इसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं x और y को, x और y, तो ये दोनों में से देखिए 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 ये मेरा मिल चुका है। अब x और y एंड करना है x के साथ, ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में एंड ऑपरेशन 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1। इससे ये क्या दिख रहा है कि ये जो कॉलम है x और इस कॉलम का जो वैल्यू है वो मेरा इक्वल है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या कहता है, x और y का अगर होल बार है या उसको अगर हम लोग होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इक्वल होता है x बार डॉट y बार का। ध्यान रखिएगा प्लस जो है वो डॉट में बदलेगा। इसमें एक रूल है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। हम लोग इस लाइन को तोड़ दे रहे हैं, ये होल पे कॉम्प्लीमेंट है इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं और साइन को चेंज कर देना है, अगर यहाँ और है तो इसको एंड कर देना है। इसी का जो दूसरा लॉ है ये कहता है एक्स वाई अगर एंड ऑपरेटर के थ्रू अगर हम उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका जो डॉट था वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। देखते हैं कैसे ये प्रूफ होगा, तो पहले देखते हैं ए का प्रूफ। ट्रूथ टेबल से देखते हैं, दो कॉलम ले लेते हैं x का और y का, 0 1 0 1 0 0 1। अब हम लोग क्या क्या निकालना है, एक तो x और y निकालते हैं पहले, x y क्या निकलेगा 0 0 1 1 1, x y का कॉम्प्लीमेंट कर देना है, तो ये जो मेरा रिजल्ट आया इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, 1 0 0 0 में हो जाएगा। अब आते हैं इधर वाले पोर्शन के लिए, x बार कैलकुलेट करते हैं, x बार क्या होगा 1 1 0 0, y बार निकालते हैं ये क्या होगा 1 0 1 0। अब इधर निकाल लेते हैं हम लोग x बार डॉट y बार, ये दोनों में 1.1 ये 1 देगा, 1.0 0 देगा, 0.1 0 देगा और ये भी 0 देगा। तो यहां पे ये देखिए कि x और y का अगर होल बार है तो ये टूट रहा है x बार डॉट y बार में, तो ये दोनों का रिजल्ट देखिए 1000 1000, तो ये इससे ये प्रूफ होता है ये जो है वो ब्रेक हो रहा है मेरा इस केस। चलिए इसी का पार्ट बी देखते हैं, वो क्या कह रहा है,
x एंड y का अगर होल बार है, ये ब्रेक हो रहा है मेरा x बार और y बार में, कैसे होगा? x y का जो है वो है, अब यहाँ निकालते हैं हम लोग x y, 0 0 0 1 एंड ऑपरेशन हो रहा है, दोनों में से एक भी जीरो है तो जीरो। अब यहाँ पे x y को कॉम्प्लीमेंट करना है तो 1 1 1 0, इस कॉलम का हमको यहाँ पे जीरो करना है, मतलब कन्वर्ट कर लेंगे जीरो को वन में, वन को जीरो। अब इधर आ जाते हैं, इधर क्या क्या चाहिए हमको, एक एक्स बार चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 0 0, एक चाहिए हमको वाई बार, ये हो जाएगा 1 0 1 0, और यहाँ निकाल लेते हैं एक्स बार और वाई बार। एक्स बार ये देगा 1 1 1 0, यहाँ देखिए इस कॉलम का रिजल्ट एक्स वाई का होल बार है 1110 और ये है 1110, ये दोनों का रिजल्ट देखिए कि बराबर है। इससे ये प्रूफ होता है कि मेरा एक्स वाई का अगर होल बार है तो ये किसमें ब्रेक हो रहा है, एक्स बार और वाई बार। एक जो गोल्डन रूल है वो याद रखिएगा, लॉ का जो रूल है वो क्या है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, इस लाइन को ब्रेक कर दीजिए और साइन को चेंज कर दीजिए, डी मॉर्गन्स लॉ है। चलिए इसके बाद जितना भी लॉ था वो हम लोग का हो चुका है, अब देखते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है कि जितना भी लॉजिकल वेरिएबल्स था और लॉजिकल ऑपरेटर्स था उसको जब हम मिला के एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, लॉजिकल वेरिएबल्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, लिटरल्स इसको कहेंगे, जो वेरिएबल्स है, बुलियन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, एक जो सिंगल वेरिएबल है वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो या एक नॉर्मल फॉर्म में हो वो कहलाता है एक लिटरल। जैसे इट कैन बी आइदर इन एक्स फॉर्म और एक्स बार, y रहेगा तो y और y बार लिखेंगे या y डैश भी लिख सकते हैं। अब इसमें दो चीज आएगा, एक मीन टर्म्स कहलाएगा और दूसरा मैक्स टर्म कहलाएगा। मीन टर्म्स किसको कहेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स, लिटरल्स बताए थे क्या होता है, जो वेरिएबल्स है ये कहलाता है लिटरल्स, तो प्रोडक्ट मीन टर्म्स कहलाता है। जैसे जहां जहां जीरो होगा वेरिएबल का वैल्यू या तो जीरो होगा या तो वन होगा, तो जिस वेरिएबल का वैल्यू जीरो है उसमें हम लोग बार से डिनोट करेंगे और जिस वेरिएबल का वैल्यू वन है वो नॉर्मल फॉर्म में लिखा है। मान के चल रहे हैं कि मेरा एक्स जो है वो जीरो है, वाई जो है वो वन है और जेड जो है वो भी जीरो है, तो इसका ये जो वैल्यूज दिया हुआ है इसका मीन टर्म्स क्या लिखाएगा, एक्स बार, बार यहाँ क्यों पुट कर रहे हैं, ये पहले बताए थे कि जब जीरो रहेगा, लिखा हुआ है वी पुट बार ऑन वैल्यू जीरो, तो इस एक्सप्रेशन का या ये वैल्यूज का ये मेरा मीन टर्म्स कह रहा है, जैसे एक्स जीरो वाई। मान लेते हैं एक और कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे ए है जीरो, बी है वन, सी है जीरो और डी है वन, तो इसका मीन टर्म क्या लिखा है, तो ध्यान दीजिए ए क्या है मेरा जीरो है, यहां हो जाएगा ए बार, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, बी यहां जाएगा डॉट, सी बार डॉट डी, तो ये कह रहा है इसका मीन टर्म्स। चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे मीन टर्म्स में किसी बुलियन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया जाए या लाया जाए। अब यहां देखिए एक एक्सप्रेशन है मेरा एक्स और वाई, यहां देखिए दो वेरिएबल का है या ये दो लिटरल का है, लेकिन ये भी मेरा मीन टर्म्स के फॉर्म में नहीं है। मीन टर्म्स का फॉर्म कब होता, जब मेरा ये एक्स वाई के फॉर्म्स में रहेगा। चेंज करने का क्या रूल है, इसको एक्स और वाई लिखिए पहले, अब इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स डॉट वन और वाई डॉट वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्स और वाई पे क्योंकि इसको हम वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे जो टर्म्स घट रहा है, एक्स के साथ कौन सा टर्म घट रहा है, वाई घट रहा है, तो यहां लिखिए वाई और वाई बार, ये लॉ था y और y बार इज इक्वल्स टू वन, क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि y और y बार इज इक्वल्स टू वन, ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ था।
तो इस वन के बदले क्या पुट किए हैं, क्यों वन के जगह वाई क्यों पुट, क्योंकि ये देखिए पहले कि इसमें कितना वेरिएबल्स था, एक्स था वाई था, तो जो मिसिंग टर्म्स है उसको हम यहाँ पे इंड्यूस कर रहे हैं, वाई आ जाएगा। अब इसमें हम लोग एक्स को जो मिस था उसको डाल देते हैं। अब इसको एक्सपैंड कीजिए, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई और एक्स वाई का ये वाई एक्स और वाई एक्स वाई एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो एक्स वाई ही था, ये था मेरा एक्स वाई बार, इसको एक्स वाई या वाई एक्स दोनों सेम चीज था, पहले लिखवाए थे एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई और इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई बार। अब इसमें से जितना भी डुप्लीकेट टर्म्स होगा रिमूव डुप्लीकेट टर्म्स, डुप्लीकेट मतलब जैसे कि हम लोग का लॉ था एक एक्स और एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक था एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहां पे ये दोनों टर्म्स को देखिए एक्स वाई है और यहां भी मेरा एक्स वाई है, तो ये दोनों मिलके यहां पे एक ही टर्म्स लिखाएगा एक्स वाई, ये क्या था एक्स वाई बार और एक्स बार वाई, ये दोनों सेम टर्म्स नहीं है, यहां पे एक्स वाई पे बार है और यहां पे एक्स पे बार है, इसलिए ये दोनों को रिड्यूस नहीं करेंगे, तो ये हो गया इसका मीन टर्म्स। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा कन्वर्ट करते हैं मीन टर्म्स में, इस बार एक्सप्रेशन क्या है ए बी और सी, इसमें देखिए कितना वेरिएबल्स है, ए है बी है और सी है, रूल क्या है इसमें कि जितना भी टर्म्स होगा सभी में ए बी सी आना चाहिए सभी, तो यहां पे इसको लिख सकते हैं ए बी डॉट वन सी डॉट वन, पहले बताया था कि वन हम लोग इसमें एड इंड्यूस कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं ए बी सी और सी वन, सी को ही क्यों डाल रहे हैं यहां पे, क्योंकि मेरा इसमें सी मिसिंग था। अब इसमें देखिए कि दो चीज मिसिंग है, ए भी मिसिंग है और बी भी मिसिंग है, तो एक एक करके इंड्यूस करते हैं सी ए और ए बार, अगले बार इसमें बी हम लोग डालेंगे, ये क्या लिखाएगा ए बी सी बार, इसको क्या लिख सकते हैं सी ए और ये लिखाएगा मेरा सी ए बार, ये दोनों तो कंप्लीट हो चुका है, इसमें एबीसी आ चुका है, इसमें भी एबीसी आ चुका है, तो ए बी सी बार इसमें से घट रहा है, तो सी ए यहां लिख सकते हैं सी बी ऐसे होगा, ये तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो एबीसी और एबीसी बार और इसको कन्वर्ट कीजिए, तो ये लिखा सकता है सीधा, आप सीधा चेंज कर दे रहे हैं सी ए बी को लिख सकते हैं ए बी सी और ए बी बार सी, यहां बी बार था और ये क्या लिखा जाएगा ए बार बी सी, ये लिखा जाएगा ए बार बी बार सी, ऐसे अरेंज करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि रिमूव जब करेंगे हम लोग टर्म्स तो आसानी होगा, नहीं तो अगर चेंज करके लिखेंगे तो मिलाने में दिक्कत होगा जिससे कि कोई टर्म्स छूट सकता है, तो रिमूव डुप्लीकेट टर्म्स, जो डुप्लीकेट है उसको हटा देते हैं, तो देखिए एबीसी एबीसी दो बार है, काटना नहीं है ध्यान रखिएगा, ये दोनों को मिला के सिर्फ एक बार लिखना है ए बी सी, ए बी सी बार, ए बी सी बार और कहीं तो नहीं है, तो ए बी सी बार, ए बी सी तो हो चुका है, ए बी बार सी, ए बी बार सी, ए बार बी सी और ए बार बी बार सी, ये जो मेरा एक्सप्रेशन था ए बी और सी, इसका मीन टर्म्स फॉर्म क्या होगा, इतना टर्म्स आएगा, ये 11 टर्म्स था लेकिन इसमें से जो डुप्लीकेट था ए बी सी उसको हम लोग रिमूव किए हैं, इसी कारण जो मेरा रिजल्ट आया वो ये आया।